जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में थ्री व्हीलर ऑटो और ई रिक्शा के सत्यापन अभियान में परिवहन विभाग द्वारा तेजी लाई जा रही है। बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में हल्द्वानी शहर में सभी ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक अलग वर्दी में दिखाई देंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि प्रशासन वाहनों के सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद ऑटो और ई रिक्शा चालकों को आई कार्ड जारी करेगा, जिसके बाद नवंबर महीने में शहर के सभी ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक आई कार्ड और वर्दी के साथ चलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से आरटीओ परिवहन गुरुदेव सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा और महिला सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक पैमाने पर अभियान चल रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वाहनों का जो सत्यापन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत प्रथम चरण में ऑटो वाहनों के सत्यापन की प्रक्रिया गतिमान है। अब तक जो है 400 के करीब वाहनों का सत्यापन हो चुका है। इसके बाद ऑटो वाहनों के सत्यापन के पश्चात ई रिक्शा वाहनों का सत्यापन किया जाएगा और उनको वाहन चालकों को जिनको आई कार्ड जारी कर दिए गए हैं उनको आई कार्ड साथ लेके चलने के लिए तो निर्देशित किया गया है। ड्रेस कोड जो है 4 नवंबर से हम उनको कंपलसरी कर रहे हैं, उनको बता दिया गया है 4 तारीख से वो पहनना स्टार्ट करते हैं। सर, महिला सुरक्षा को लेकर किस तरह से आप